हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और अभी बजे हैं सुबह के 4। हम लोग 3 बजे उठे थे और 4 बजे हम लोग रेडी होकर निकल गए। यस, आज हम लोग टूर पे जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कोटद्वार। कोटद्वार में हनुमान जी का बहुत ही फेमस सिद्ध बलि मंदिर है, वहाँ पर हम जा रहे थे। तो ये सुबह का व्यू है और बहुत ही शानदार, एकदम सनराइज होते हुए देखा, इतना अच्छा लगा था। और फिर हम लोग जैसे ही कोटद्वार के अंदर एंटर कर रहे थे, मतलब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे चेकिंग हो रही थी इलेक्शंस की वजह से। बहुत अच्छी खासी चेकिंग हो रही है हर एक रूट पर, तो अब वहीं पे चेकिंग वगैरह कराई और फिर हम आगे के लिए निकल गए। बहुत ही सुंदर व्यू हो रहा था, इतना मज़ेदार, बहुत सुंदर। फिर हम लोग 6 बजे करीब मंदिर में पहुँच गए थे। तो फिर हम धीरे धीरे जो है मंदिर में चढ़ते जा रहे थे। और इस मंदिर में जो है वो 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और वो भी खड़ी सीढ़ियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चढ़ने में। तो बीच में चढ़ते चढ़ते बीच में एक ये पॉइंट भी आता है जहाँ पर जो हम प्रसाद लेते हैं उसमें नारियल होता है। उस नारियल को हमें यहाँ पर फोड़ना होता है, जिस तरह से पापा जी और मौसा जी फोड़ रहे हैं। हमें ये मतलब इसका फोड़ने का मकसद ये होता है कि हमें हनुमान जी को ये जतावा देना होता है कि हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी एंट्री जो है वो स्वीकार करना। फिर हम लोग धीरे से हम वो सारी सीढ़ियाँ पार करके फिर हम तो ये मंदिर का एंट्रेंस है और जिस ठीक सामने बाबा जी के दर्शन हैं। और अगर आप लोगों को भी बाबा जी के दर्शन हुए हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आपको घर बैठे ही सिद्धबली बाबा जी के दर्शन करा दिए हैं। और मंदिर जो है वो पहाड़ों के बीच में है, तो बहुत ही अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही थी। एक तो हम सुबह सुबह गए थे तो इसलिए भी अच्छा लग रहा था, और ऊपर से हमने जब बाबा जी के दर्शन कर लिए थे तो और भी अच्छा लग रहा था। एकदम मन जो है वो एकदम प्रसन्न हो जाता है यहाँ पर आकर, एकदम शांति सी। और मैं आपको बता दूं कि जो बाबा जी का प्रसाद होता है, सिद्ध बलि का प्रसाद होता है, वो गुड़ होता है, गुड़ की बेली होती है जो यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और अब वो हमें रिटर्न भी, और फिर यहाँ पे चुनरी बांधी जाती है, जो भी आपकी मन्नत होती है वो आप मांग सकते हो और चुनरी बांध सकते हो। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप अगली बार जब आओगे तो इस चुनरी को खोल देना कि हमारी मन्नत पूरी हो चुकी है, तो हम उस चुनरी को खोल कर आते हैं। और फिर उसके बाद में हम पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ रहे हैं। ये जो इतना सुंदर व्यू दिख रहा है ये हमारे मंदिर से दिख रहा है। नीचे एक नदी भी है और पहाड़ भी हैं, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है आसपास का। जब हम लोग बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं फिर उसके बाद में हम लोग पीछे के रास्ते से जाते हैं शिव मंदिर में। शिव मंदिर बना हुआ है नीचे की साइड में, और फिर वहाँ जाके अच्छे से दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। फिर उसके आगे हम लोग जाते हैं शनिदेव मंदिर में। हम इसी मतलब एक ही मंदिर के अंदर हमारे 3 मंदिर बने हुए हैं। पहले हम सिद्ध बलि मंदिर जाते हैं, यानी कि हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फिर हम बैक साइड से निकल कर शिव जी के दर्शन करते हैं। फिर हम
यहाँ से आप सीधा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो हम शनिदेव महाराज जी के पास चले जाएंगे। हाँ तो अब हम आ गए हैं शनिदेव महाराज के मंदिर। यहाँ पर जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, हम यहाँ पे जो भी हम हमारा जो प्रसाद है भीली का, गुड़ का, हम यहाँ पे चिपकाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये ऐसा मान्य है यहाँ का, और इस पूरे पेड़ की परिक्रमा करते हैं एक बार, और ये रहे हमारे शनिदेव महाराज। एक गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं वापस, हमने प्रसाद वरसाद सब कुछ हमारा हो गया है, तो अब हम मतलब भंडारे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब देखते हैं अगर हम भंडारा खाते हैं तो। देखो भंडारा तो खाना बनता है अगर मंदिर में आते हैं तो, और भंडारा इतना हमेशा भंडारा जो होता है वो प्रसाद होता है, वो बहुत टेस्टी भी होता है तो उसको खाना बनता है। यहाँ पे ना थोड़ा बंदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है कहीं मेरा फ़ोन वगैरह, मतलब ये लोग होते हैं ना कि बंदर एकदम फ़ोन छीन कर ले जाते हैं, तो बस वही। आपको बंदर दिखा या मम्मी को डर लग रहा है उधर पीछे, मम्मी को डर लग रहा है। और देखो गाइस यहाँ पे भंडारा शुरू हो गया है, और अभी गाइस ये भंडारे के लिए लाइन लगी हुई है। कैसे उधर नंबर नहीं आया, छोले लिए आप छोले दे उधर से, वो रात से लाइन तोड़ देंगे, बस इतना ही दे दो काफी है। चलो 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 तो चलो आगे चलो। मैं लाइन में पीछे लगी तो मुझे चावल नहीं मिले। काशी फल है, सूजी है, ग्रेवी वाले आलू की छोले हैं, और सूजी का हलवा है, पूरी है, चावल है। सीरियसली बहुत टेस्टी है, प्रसाद होता है मंदिर का। तो जब हम लोग प्रसाद व भंडारा खाकर जब हम लोग वापस जा रहे थे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी रेस लगा कर जाती हूँ और मैं सबसे पहले जीत जाऊँगी, क्योंकि मेरे से पहले नक्श वहाँ पर चला गया था, तो मुझे था कि नक्श मैं तेरे पास एक मिनट में आ जाऊँगी। फिर हम दोनों ना वापस आए कि चलो, उसने बोला दीदी चलो रेस लगाते, तो हम दोनों वापस आके दोबारा से रेस लगाई, और फिर वहाँ से हमने फिर से दोबारा से रेस लगाई कि हम देखते हैं कौन जीतता है। और फिर यहाँ पर मम्मी मेरे को बोल रही थी कि मत कर, तेरे फिर रात को पैरों में दर्द होगा फिर ऐसे। तो गाइस हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं, तो अभी मार्केट लगना शुरू ही हुआ है। फिर मैंने भी सोचा कि चलो कुछ लेना तो है नहीं, चलो देख ही लेते हैं, तो मैं भी एक दो चीज़ें यहाँ पे देखने लग गई थी।
लिया तो मैंने कुछ था नहीं वैसे, लेकिन देख लिया था बस। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और बीच में बारिश भी हो गई थी तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, एकदम ठंडा मौसम हो गया था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग के साथ। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।